हेलो स्टूडेंट, मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर टेंथ एक्सरसाइज 10.2 देखेंगे। तो इसके सभी क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि आप लोग बुक लेकर बैठे रहेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो देखिए निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का पंचकलन कीजिए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का पंचकलन कीजिए। तो a बराबर है वेक्टर a बराबर i प्लस j और प्लस k है। हमें ज्ञात करना है किसका परिमाण क्या होगा, क्या ज्ञात करना है परिमाण। तो देखिए परिमाण देखते हैं, तो परिमाण देखिए क्या होता है परिमाण। तो देखिए परिमाण क्या होगा कि वेक्टर r बराबर होता है कितना, कि या वेक्टर r बराबर कर लीजिए या मॉड ऑफ वेक्टर a बराबर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस कितना z स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर या z स्क्वायर होता है। तो हम यहां से देखिए x x का मान एक है, x का मान कितना है एक है, y का मान एक है और z का भी मान कितना है एक है। तो हमारे पास यहां से क्या हो जाएगा कि हम यहाँ से मान रखेंगे, इसका परिमाण ज्ञात करेंगे, तो यह हो जाएगा कितना एक का होल स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर। तो आपके पास हो जाएगा एक प्लस एक प्लस एक और एक 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 कितना हो गया रूट में तीन। यही आपके पास क्या होगा परिमाण है, क्या है आपके पास परिमाण है। आइए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी का यह आपके पास पहला था, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। वेक्टर b इज इक्वल टू देखिए है 2i7j माइनस 3 के, मतलब 2i है फिर है 7j है और माइनस कितना 3 के है, कितना है 3 के। तो इसका परिमाण देखते हैं, तो इसका परिमाण हमारे पास क्या हो जाएगा कि वेक्टर b बराबर होता है आपके पास क्या हमने बताया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक, x का मान 2 है, x का मान 2 है, y का मान -7 है और z का मान कितना -3 है। ठीक, तो इन सभी के बारे में हम देखेंगे कि आपके पास इसका मान कि कितना है। तो यहाँ पर जो वेक्टर b का परिमाण है, वेक्टर b का जो परिमाण है वह हो जाएगा कितना x स्क्वायर के स्थान पर देखिए है 2 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब इसके बाद हम करेंगे क्या, वेक्टर बी का परिमाण है तो यहां पर हो जाएगा 2 × 2 = 4 फिर 749 और 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 53 हो जाएगा, 49 × 4 = 53 और 53 फिर हमारे पास 9 उसी में जोड़ेंगे 53 × 7 = 60 और 7 यहां पर इसको जोड़ लेते हैं देखिए 9 × 4 = 13 और ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पर 62 कितना हो गया 62। तो ये आपके पास वेक्टर बी का क्या हो गया परिमाण हो गया, क्या हो गया वेक्टर बी का परिमाण हो गया। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कि सी सी का हमें परिमाण ज्ञात करना है, 1/3 i है, 1/3 j है और फिर है 1/3 कितना k है। ठीक, तो इन सभी का हमें परिमाण ज्ञात करना है, यहाँ पर माइनस है कितना है माइनस। तो हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे, तो परिमाण ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए मॉड ऑफ वेक्टर c और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1/√3 प्लस हो जाएगा 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 तो यहाँ पर आपके पास आया 1/3 क्योंकि 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग कितना 3 होता है, फिर हमारे पास 1/3 और यहाँ पर हो गया 1/3। अब इसी को आप जोड़ लीजिए तो हो जाएगा हमारे पास कितना 3 हो गया, 1, 2 और 3 तो हो गया 3 और यह कैंसिल आउट हुआ हमारे पास हो गया √1 और √1 का मान कितना है 1। तो यह आपके पास क्या हो गया। तो यह आपके पास क्या था कि पहला क्वेश्चन का परिमाण निकालने के लिए तो हमने सभी क्वेश्चनों में क्या निकाला है परिमाण ज्ञात किया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, चाहे इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा सब।
चलिए चलते हैं आगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है समान परिवार वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान परिवार देखो कह रहा है समान परिवार वाले दो सदिश लिखना है। क्या करना है? समान परिवार वाले दो सदिश लिखना है। तो समान परिवार वाले दो सदिशों के मान को हमें ज्ञात करना है। तो उस सदिशों के मान को ज्ञात कैसे करेंगे? देखिए तो इस समान परिमाण के लिए जब कभी भी आपसे कहा जाए तो आप कोई भी सदिश मानिए, कोई भी सदिश आप मानो और यहाँ पर कि बस उसका मान अलग हो। देखो मान हमेशा समान हो, बस आप आगे पीछे उसको क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को मान सकते हैं। जैसे वेक्टर ए बराबर हमने इतना माना और वेक्टर बी बराबर हम मान लेते हैं 3i + j या 2j और इसका मान मान लेते हैं कि k। ठीक है तो यह आपके पास देखिएगा इसका जो परिमाण आएगा वो समान आएगा। क्या आएगा? समान आएगा। तो देखिए वेक्टर ए का परिमाण निकालते हैं तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, x2 y2 और कितना z2 हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर + -1 का होल स्क्वायर और +3 का होल स्क्वायर। 2 × 2 = 4, 1 × 1 = 1 और 3 × 3 = 9, 9 × 9 = 13, 13 और कितना 14। तो देखो वेक्टर ए का जो परिमाण आया वह वेक्टर 14 या रूट में 14 आया और अगर इसका भी परिमाण देखिए हम निकालते हैं तो समान ही आएगा। क्यों? हमने ऐसे ही वेरिएबल ही लिए हैं। तो 3 का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर + -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास देखिए क्या हो जाएगा कि 3 का यहाँ पर 3 × 3 = 9 और फिर 2 × 2 = 4, 1 × 1 = 1 और यह हमारे पास आ गया रूट में 14। तो देखिए दोनों का परिमाण क्या है? समान। तो हमें ऐसे वेरिएबल हमने लिए जिसके मान क्या थे? समान थे। क्या थे मान? समान थे। तो यह आपके पास क्या हो गया? समान परिवार वाले दो सदिश हो गए। समान परिवार वाले दो सदिश। आइए यहीं पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश निकालो। समान दिशा देखो जब समान परिमाण कहे तो हम आगे पीछे वेरिएबल लेते हैं और जब समान दिशा कहे तो वह हमेशा आप दुगना लीजिए। जितना वेक्टर ए का मान लेंगे उसी का हम हमेशा दुगना लेंगे। जैसे वेक्टर ए का मान हमने मान लिया i + 2j या सब पहले वाले i, j और k मानो और दूसरा वाला हम मान लेते हैं इसी का दोगुना। तो i का दोगुना 2i और j का दोगुना 2j और k का दोगुना 2k। अब इसकी दिशा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दिशा ज्ञात करनी है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए देखिए हम करते क्या है कि l बराबर होता है a x / r। तो हमारे पास दिशा ज्ञात करना है मतलब कोसाइन ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि यहां पर l बराबर यह l m n है तो हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं इसका वेक्टर a की दिशा, वेक्टर a के लिए दिशा। तो देखो दिशा दिशा दिक कोसाइन मतलब हमें निकालना दिक कोसाइन निकालना है। दिशा का मतलब दिक कोसाइन और परिमाण का मतलब दिक अनुपात। तो यहां पर हमारे पास देखिए यह क्या हो जाएगा कि यहां से आपके पास मान होगा कि यह देखो यह एल है तो यह एल बराबर होता है x/r। एक्स का मान हमारे पास 1 है और आर का मान हमारे पास देखो 1 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3। ठीक। फिर यल एम है, एम को देखो वहां हमारे पास होता है y/r तो y का मान 1 है और यहाँ पर हम करते क्या है 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। तो यह आपके पास देखिए हो जाएगा 1 और √3। यह कितना हो गया? √3 हो गया। और फिर अगर हम यहाँ से यम एन निकालते हैं तो होता है z/r। कितना होता है? z/r होता है। तो z/r होता है तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं? 1 लिखे सेल का मान और यहाँ पर आपके पास देखिए क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। ये हो गया 1/√3।
तो देखिए वेक्टर ए के लिए यह लेवियन आ गया, दिशा आ गई। अगर आपके पास यही मान इसका भी आता है तो आपके पास समान दिशा है। क्या है? समान दिशा। तो वेक्टर बी के लिए, वेक्टर बी के लिए हो जाएगा एल इज इक्वल टू एक्स बटा में आर। एक्स का मान देखो है दो, यहां पर हो जाएगा देखिए दो, दो का वर्ग है, दो का वर्ग है और दो का वर्ग, देखो दो का वर्ग, दो दुनी चार, दो दुनी चार, दो दुनी चार, तो चार चार आठ। और यहां से हम ऐसा कर सकते हैं दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ, तो दो का वर्ग क्या करेंगे आप कॉमन करेंगे तो बाहर निकलेगा। समान देखिए ये दो दुनी चार, चार चार आठ, चार चार आठ और फिर चार कितना बारह। बारह का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो बारह का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं कितना होगा, दो दो छम बारह, दो तीन छह और तीन का तीन, इसका वर्गमूल बना तो यह बाहर निकलेगा, तो यह हो जाएगा दो और यह दो रूट में तीन, दो से दो कट गया और एक बटा में रूट में तीन आ गया। फिर एम है तो वाई बटा में आर, वाई का मान है दो और आर का मान आप जानते हैं कि आर का मान हमने निकाला था रूट में बारह, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नहीं तो इसको देखिए तो यह हो जाएगा कितना, दो बटा में दो रूट में तीन और दो से दो कटा एक बटा में रूट में तीन आ गया। फिर हमारे पास एन का मान निकालते हैं, एन का मान होता है जेड बटा में आर, कितना होता है जेड बटा में आर होता है, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा कितना, दो बटा में रूट में, रूट में कितना दो स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर, और यह हो जाएगा दो बटा में रूट में दो बटा में तीन, यह कट गया आपके पास आगे एक बटा में तीन। तो अतः देखो यहाँ पर क्या है कि दिशा समान है, क्या समान है दिशा समान है, यहाँ पर दिशा समान है और यहाँ पर क्या समान है परिमाण समान है, क्या समान है परिमाण समान है। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा। आइए देखते हैं अब हम लोग चौथा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा जिससे थोड़ा मोटिव मिले और हम प्रत्येक आप लोगों के लिए एक वीडियो हाई स्कूल और एक वीडियो इंटर के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से 10 और 11 आपके पास 10 और 11 चैप्टर से 17 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के? 17 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग 17 नंबर की तैयारी कर लीजिए मन लगा के। देखो x और y के मान ज्ञात कीजिए, यदि सदिश इतना और इतना समान हो। देखिए दो सदिश दिया गया है, चौथा क्वेश्चन है कि 2i और प्लस 3j बराबर कर रहे हैं कि xi और yj समान है। जिसे दो सदिश समान है, दो सदिश आपस में समान है, 2i 3j और xi yj समान है, तो हमें कह रहे हैं कि x और y के मान बताओ, x और y के क्या बताना है मान। तो देखो तुलना कर लो, क्या करते हैं समान तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो x का मान 2 आया और y का मान हमारे पास 3 आया और यह आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमें x और y के मान ज्ञात करने थे, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। पांचवा क्वेश्चन है आपके पास कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु इतना है और अंतिम बिंदु इतना है, तो इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। देखो एक सदिश है, इस सदिश हो गया, इसका प्रारंभिक बिंदु कितना है 2,1 है, प्रारंभिक बिंदु क्या है 2,1 है और अंतिम बिंदु इसका है -5,7, -5,7 कितना है 7 है। तो हमें कह रहे हैं कि सदिश का आपको बताना है, मान लो यह ए है और यह पॉइंट क्या है बी है, हमें कह रहे हैं कि सदिश का बताइए कि सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो हम घटक के लिए क्या करते हैं ए जी, देखो ए वेक्टर ए जी बराबर होता है कितना कि यह आपके पास हो जाएगा ओ बी और माइनस कितना ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी का मान देखो है -5i
और कितना है प्लस 7j और ओ ए का मान है 2i और कितना है माइनस जे। देखो ये माइनस बीच में लगा हुआ था तो ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था क्या हो गया माइनस हो गया। अब हम यहां से करेंगे क्या, 5 और 2 7 हो गया और 7 में से 1 गया तो आपके पास 6 आ गया, तो 6j। तो अगर हम इसके सदिश घटक देखें तो सदिश घटक देखिए है, सदिश घटक आपके पास है 7i और कितना 6j। और अगर अदिश देखें, अदिश घटक क्या देखेंगे, अदिश घटक तो अदिश घटक आपके पास -7 है और 6 है, सिर्फ -7 और 6 है, तो यह आपके पास क्या हो गए, दोनों आंसर हो गए। तो यह आपके पास चौथा पांचवा क्वेश्चन था जिसको आपने देखा, इसमें समान की तुलना करने का हमने x y के मान ज्ञात किए और यहाँ का पांचवा क्वेश्चन यह आपके पास यह है। ठीक, आइए देखते हैं छठवा क्वेश्चन। छठवा क्वेश्चन है, a बराबर i 2j और प्लस k, वेक्टर a बराबर है, वेक्टर a बराबर आपके पास है i -2j और प्लस k है, वेक्टर b बराबर देखिए वेक्टर b बराबर आपके पास है 2i -2i 4j प्लस 5k, -2i प्लस 4j और प्लस 5k, वेक्टर c बराबर आपके पास है i -6j -7k, i -6j और -7k। ठीक, तो हमें इसका योगफल ज्ञात करना है, सदिश कितने के हमें क्या ज्ञात करने हैं, योगफल। तो योगफल का मतलब हम क्या ज्ञात करेंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस क्या ज्ञात करेंगे, वेक्टर c। तो यहां से आप क्या करेंगे, सभी मानों को यहां से आप लिखते हैं, तो लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, देखिए क्या लिखेंगे, i -2j प्लस k और फिर हमारे पास हो जाएगा -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस i -6j और -7k। अब यहां से देखिए हम इसको करते हैं, जोड़ते हैं, तो देखो ये प्लस है, ये प्लस है, 2 होगा और 2 में से 2 गया तो i आपके पास खत्म हो गया, i नहीं है तो i आप कह सकते हैं कि 0i है, कितना है 0i है, और फिर 2j है और 6, देखो 2 है यहां पर, देखिए 2 और 6 8 हो गया, माइनस माइनस और प्लस कर गया तो 8 में से 4 गए तो हो जाएगा -4j। के का मान देखते हैं तो के का मान देखिए 1, 5 और 1 6 और 6 में से 7 गए तो -1 गया। देखिए यहां से ना कहिएगा कि आपके पास क्या होता है कि मान खराब हो जाता, मतलब कि हमारे पास 6 में से 7 नहीं जाएगा, 6 में से 7 ये छोटी बातें थी। अब आपके पास आप 6 में से 7 घटाइए चाहे 5 में से 7 घटाइए चाहे 5 में छोटी संख्या में से बड़ी संख्या भी घटाई जा सकती है, तो यह आपके पास क्या है, इसका आंसर है, योगफल है। आप 0 लिखिए चाहे ना लिखिए पर लेकिन आपके पास यह जो है वही आपके पास क्या है, आंसर है। ठीक, तो यह आपके पास था क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 और अब इसके बाद हम देखेंगे इसका 7वां क्वेश्चन, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम सदिशों के मान को ज्ञात करेंगे, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और इसके बाद हम लोग 7, 8, 9 देखेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 7वां। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है कि यदि सदिश a बराबर ij2k, a बराबर है i प्लस 2j और प्लस k है, i प्लस 2j प्लस k है, तो हमें इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश,
इसे हम इकाई सदिश भी कहते हैं। तो यह यूनिट सदिश का मान होता है वेक्टर ए और बटा में मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो यह आपके पास क्या था, मात्रक सदिश। तो इसका अगर हम मान ज्ञात करेंगे तो देखिए वेक्टर ए तो हमें पता है, क्या नहीं पता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए नहीं पता है। तो मॉड ऑफ वेक्टर को ज्ञात करने के, वेक्टर ए को ज्ञात करने के लिए हम इसका परिमाण निकालेंगे। तो आइए देखते हैं परिमाण इसका, मॉड ऑफ वेक्टर ए, इसका परिमाण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मान देखिए है एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर और प्लस कितना, एक स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर दो दूनी चार, चार और दो कितना छह, तो रूट में छह आ गया। कितना गया, रूट में छह आ गया। और यूनिट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया आई, एक बटा में हम कह सकते हैं रूट में छह, प्लस यहाँ पर है दो बटा में रूट में छह जे, और प्लस हो जाएगा कितना, एक बटा में रूट में छह के। तो यह आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर। तो यह आपके पास सातवां क्वेश्चन है जिसमें हमने देखा इसका मात्रक सदिश क्या होता है। आइए फिर आठवां क्वेश्चन देखते हैं। इसका आठवां क्वेश्चन क्या है कि सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, P और Q क्रमशः एक दो तीन और चार पांच छह है। तो देखिए PQ के अनुदिश हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है, वेक्टर PQ के अनुदिश क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश। देखिए मान लीजिए कि यह P है और यह Q है, एक रेखा यहां पर है एक दो तीन चार पांच और छह, और इसकी देखा इसका मान P है इसका मान Q है, हमें इसी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो पहले आप रेखा का मान ज्ञात कर लो, PQ का मान देखो, अगर हम ज्ञात करेंगे तो देखो P का मान देखो होता है OQ और माइनस कितना OP, OQ माइनस कितना OP होता है, यह हो जाएगा देखिए चार आई प्लस पांच जे और प्लस कितना छह के। OP का मान कितना है, आई है माइनस टू जे है और माइनस कितना थ्री। ठीक, तो यहां से हम करेंगे क्या, चार में से एक गया तीन हो जाएगा, और यहां पर पांच में से दो गया तीन हो जाएगा, और छह में से तीन गया तो तीन हो जाएगा। अब इसी का हम क्या करते हैं, इसका हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो PQ का जो मात्रक सदिश होगा वह क्या होगा, PQ का मात्रक सदिश PQ और बटा में कितना मॉड ऑफ PQ, मॉड ऑफ वेक्टर PQ होगा, यह समीकरण नंबर। तो देखो PQ तो हमें पता है, PQ हमें पता है, हमें ज्ञात करना है मॉड ऑफ वेक्टर PQ ज्ञात करना है। तो मॉड ऑफ वेक्टर PQ ज्ञात करने के लिए देखिए इसका मान ज्ञात करते हैं, यह होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स का मान है आपके पास देखो तीन है, कितना है तीन है, तो हमारे पास होगा तीन स्क्वायर। वाई का भी मान तीन है और जेड का भी मान तीन है, तो तीन तीन का आपके पास देखो एक तरीका तो और है, या तीन यहाँ तीन यहाँ तीन यहाँ तीनों को कॉमन कर लो, क्योंकि वर्ग है तो तीन कॉमन हो गया, और आपके पास एक दो और तीन, तो तीन रूट में तीन, ये आपके पास शॉर्टकट है। लेकिन हम इसको देखते देखो तीन तरीका नौ हो गया, तीन तरीका नौ हो गया, तीन तरीका नौ हो गया, तो नौ नौ अठारह नौ त्रिक सत्ताईस, और सत्ताईस आपके पास आ गया। तो सत्ताईस का आप जानते हैं कि सत्ताईस का क्या होगा, तो तीन नवा सत्ताईस, तीन तरीक का नौ, तीन एक का तीन। तो यहाँ पर जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बना तो वो कहाँ रहेगा, रूट के अंदर रहेगा। तो यह हो जाएगा तीन रूट में तीन। तो अब हम इसको करते क्या है कि यहां से मान को निकालते हैं। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा कि PQ समीकरण एक में मान को रखते हैं, समीकरण एक में, तो समीकरण एक में मान को रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि PQ, तो PQ क्या जो होगा इसका मात्रक सदिश इतना है तीन, तीन आई बटा में तीन रूट में तीन प्लस तीन और तीन रूट में तीन और जे है, फिर तीन और फिर तीन रूट में तीन कितना है के है। तो तीन से तीन, तीन से तीन, तीन से तीन कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या एक बटा में रूट में तीन आई और फिर एक बटा में रूट में तीन जे, फिर हो जाएगा एक बटा में रूट में तीन कितना के है, और यही आपके पास क्या बचा, आंसर बचा। तो यह आपके पास सातवां और आठवां क्वेश्चन था जिसमें हमने सभी क्वेश्चनों को क्या किया, इसमें क्वेश्चनों को आपके पास सीरियल बाय सीरियल पी क्यू को किया, पहले पी क्यू का मान निकाला और फिर हमने क्या किया पी क्यू का मात्रक सदिश क्या होता है,
PQ हमें पता था, लेकिन हमें मॉड ऑफ PQ नहीं पता, तो मॉड ऑफ PQ ज्ञात करने के लिए हमने मॉड ऑफ PQ निकाला और आपके पास मॉड को रख दिया। ठीक, तो यह आपके पास क्या था, सातवां और आठवां क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसके बाद आठवां के बाद नौवां क्वेश्चन। आप इसको चाहे राइट डाउन कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर इसको फिर बाद में देख सकते हैं दोबारा से वीडियो को। नौवां क्वेश्चन है, दिए गए सदिशों में से आपके पास वेक्टर ए और बी के प्लस हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना। देखो सात आठ नौ और दस उपरोक्त क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चीजें इसमें बदली हुई है। तो आइए देखते हैं नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन है सात आठ नौ तो दस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपकी परीक्षा में तीन से या तीन या तो पांच नंबर में आएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर ए बराबर आपके पास दिया गया है, वेक्टर ए बराबर दिया गया है दो आई माइनस जे दो के, दो आई माइनस जे और प्लस कितना है दो के है, और वेक्टर बी बराबर आपके पास है माइनस आई प्लस जे माइनस के, माइनस आई प्लस जे और माइनस कितना के है। ठीक, अब हम यहां से करते क्या है कि यहां पर पहले हम वेक्टर ए प्लस बी का मान ज्ञात करेंगे। वेक्टर ए प्लस बी का देखो मान क्या होगा कि दो में से एक को हटाएंगे, यहां पर होगा दो आई माइनस जे प्लस दो के, यहां पर है माइनस आई, यहां पर प्लस जे और माइनस के, कितना है माइनस जे और माइनस कितना के। और देखो दो में से एक गया तो आई हो गया, और जे और जे कैंसिल आउट, और दो में से एक गया तो हो जाएगा कितना के। हमें ज्ञात करना है वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी का क्या ज्ञात करेंगे, यूनिट वेक्टर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर ज्ञात करते हैं, तो हम यहाँ से करते क्या है कि वेक्टर ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर ज्ञात करने के लिए वेक्टर ए वेक्टर बी और फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान, समीकरण नंबर एक। तो देखो ए इतना हमें पता है वेक्टर ए प्लस बी, हमें इसका मॉड नहीं पता, तो मॉड ज्ञात कर लीजिए। तो इसका परिमाण हम ज्ञात करते हैं, परिमाण क्या हो जाएगा एक का होल स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर और एक और एक कितना दो। तो यह आपके पास देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा एक बट्टा में रूट में दो आई प्लस एक बट्टा में रूट में दो कितना के होगा, और यही आपके पास क्या होगा आंसर है। तो यह आपके पास क्या हो गया आई और जे, नौवां नंबर क्वेश्चन, इसको आप देख सकते हैं इसका आंसर। आंसर हम लोग देख रहे हैं 10.2 का नवा। ठीक, एकदम आपके पास आंसर एकदम हुबहू एक चीज आई है। आइए देखते हैं फिर आठवां नवा के बाद दसवां नंबर क्वेश्चन। दसवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दस नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास कि इस क्वेश्चन में आपके पास देखिए फिर दिया है मात्रक सदिश, और मात्रक सदिश को हमें मात्रक सदिश के परिमाण को ज्ञात करना है। तो पहले मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं। तो देखिए मात्रक सदिश वेक्टर ए, हमने माना वेक्टर ए यह पांच आई है माइनस टू जे है और प्लस है आपके पास माइनस जे है और प्लस कितना है टू के है। ठीक, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा कि हमें ज्ञात करना है यूनिट ऑफ ए वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर ए। पहले इसको ज्ञात करेंगे, और ज्ञात करने के बाद हमें करना क्या है इसके परिमाप, देखो यह एक इकाई है, कितना है एक इकाई है, हमें इसमें आठ इकाई का मान ज्ञात करना है। तो एक में अगर हम आठ का मान गुणा कर देंगे तो हमारे पास आठ इकाई आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसका एक इकाई मान ज्ञात करते हैं, इसको यूनिट बोलते हैं, इसको वेक्टर बोलते हैं, इसको मॉडुलस मॉडल परिमाण ए। तो हम यहां से करते क्या है कि पहले परिमाण निकाल ले, तो परिमाण निकालते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो पांच का स्क्वायर और माइनस एक का होल स्क्वायर और प्लस है दो का होल स्क्वायर। तो यहां से हम इसको देखते हैं तो यहां पर आपके पास हो जाता है कि वेक्टर ए का परिमाण कितना, पच्चीस
और एक एक का एक और दो दूनी चार, तो 25 और 25 4 29 और एक कितना 30। अब यह आपके पास इतना आ गया। हम इसका मान निकालते हैं तो यूनिट आपके इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/में इसका मान है 5/30, 5/ कितना रूट में 30 और आई है। फिर माइनस यहां पर है जे, तो 1/ फिर रूट में 30 और यहां पर कितना है जे है। फिर है आपके पास कितना 2/ फिर रूट में 30 है, 2/ रूट में 30 है और फिर कितना है के है। तो देखो यह तो एक इकाई मान आया है, हमें क्या करना है दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 8 का गुणा करने पर, 8 का गुणा करने पर 8 का गुणा करते हैं तो 8 आ गया, 8 × 5 = 40 और रूट में 30 आई और माइनस 8 का 8 रूट में 30 जे और 8 × 16 और रूट में 30 कितना के। ठीक, यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यह आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसको हमने देखा कि आपके पास कि यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, पहले की डायरेक्ट मान उसके 8 का गुणा। फिर देखिए अगला है कि दिखाइए कि संरेख है, रेखाएं क्या है संरेख, देखो संरेख है, संरेख के लिए हमारे पास देखो दिया गया है कि वेक्टर a बराबर 2i − 3j + 4k है, वेक्टर b बराबर हमारे पास है −4i + 6j और माइनस कितना है 8k है, −8k है। ठीक, अब अगर हम इस मान को देखें तो देखो संरेख के लिए स्थिति क्या होती है, संरेख के लिए देखिए स्थिति होती है वेक्टर b बराबर लैम्डा वेक्टर वेक्टर क्या होता है a होता है। तो यहां से हम इसके मान को अगर देखें तो देखिए वेक्टर b का मान कितना है माइनस, अगर माइनस को 2 हम कॉमन कर, माइनस 2 को कॉमन कर लिए तो ये देखो 2i + 2 3i 6j और 2 चौके कितना, माइनस को कॉमन किया हमने तो ये देखो माइनस था वो क्या हो गया, देखो माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला क्या हो गया माइनस, यहां माइनस वाला फिर प्लस, 2 चौके 8 हो गया। यहां पर लैम्डा है और वेक्टर a का मान है कितना 2i − 3j और फिर प्लस कितना 4k। तो देखो यहां से आपके पास इससे यह कटा क्योंकि समान समान था और लैम्डा का मान कितना है -2, तो लैम्डा बराबर -2 के लिए जो आपके पास यह वेक्टर a और वेक्टर b है वह संरेख है, क्या है संरेख है। तो वेक्टर a वेक्टर b है, संरेख के लिए वेक्टर b बराबर लैम्डा वेक्टर a और आपके पास यह जो होगा लैम्डा बराबर -2 के लिए संरेख होगा, क्या होगा संरेख होगा। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जैसे सबसे पहले ही जो वीडियो होंगे आपके पास सभी चैप्टरों के बारी बारी से पहले 10 फिर 11 फिर 13 फिर 6 फिर 5 ऐसे ऐसे करके सभी चैप्टरों की वीडियो आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सदिश इतना की दिक को साइन ज्ञात करो, i 2j + 3k की दिक को साइन ज्ञात कीजिए, क्योंकि वेक्टर a बराबर हमारे पास दे दिया है i + 2j + 3k, इसकी हमें ज्ञात करना है दिक को साइन, क्या ज्ञात करना है दिक को साइन ज्ञात करना है कि इसका दिक को साइन क्या होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि cos अल्फा इक्वल टू होता है x/r, क्या होता है x/r होता है, या हम कह सकते हैं यल बराबर होता है x/r। अभी हमने देखा था दूसरे तीसरे क्वेश्चन में तो तीसरा क्वेश्चन था समान दिशा, तो यही आपके पास है cos अल्फा बराबर x/r है। तो यहाँ पर देखो x का मान आपके पास है a और r का मान ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं x²y² और z², तो यहाँ पर हो जाएगा 1² + 2² + 3² हो जाएगा 1/
एक है, चार है, नौ है, नौ चार तेरह और कितना चौदह, तो एक फटा भी रूट में चौदह। फिर कॉस बीटा हम ज्ञात करेंगे, तो कॉस बीटा बराबर बी वाई बटा में होता है आर, तो आर का मान देखो वाई का मान दो है और यहाँ पर आर का मान आपने निकाला था चौदह है। फिर हम यहाँ से निकालेंगे कॉस गामा, कॉस गामा देखिए जेड होगा और आर का मान आपने अभी निकाला था कितना है रूट में चौदह, तो हो जाएगा कितना तीन बटा में रूट में चौदह। तो आपके पास जो बिंदु है तो कोसाइन जो है वह कितना हो गया, बिंदु जो है वह एक बटा में रूट में चौदह, दो बटा में रूट में चौदह और फिर तीन बटा में रूट में चौदह। तो यह आपके पास आंसर है, देख लेते हैं एक बार आंसर कि आपके पास यह आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन देख रहे हैं 10.2 का 12 नंबर क्वेश्चन, तो 10.2 का 12 नंबर क्वेश्चन अभी देखते हैं। हाँ एकदम हूबहू यही क्वेश्चन आपके पास, यही फार्मूला, यही आंसर आपके पास आएगा। आइए देखते हैं अगला, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्या है, 13 को देखेंगे तो देखिए 13 कह रहा है कि ए बी की दृष्ट दिक् को साइन ज्ञात करो। ए बी देखो 13 नंबर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है केवल बिंदु दे दिया है। तो देखो ए बी है हमारे पास, ए और बी बिंदु है, बिंदु ए, ए और बी बिंदु है, तो बिंदु को लिख लेते हैं। हमारे पास ए का मान है 1, 2, -3, 1, 2 और -3 है और बिंदु बी का मान है -1, -2 और 1। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है कि ए बी से दृष्ट सदिश की दिक् को साइन ज्ञात करो। तो पहले हम ए बी का मान ज्ञात करेंगे, तो ए बी का मान ज्ञात करेंगे तो ओ बी और माइनस ओ ए, ओ बी माइनस कितना होगा ओ ए होगा, तो ओ बी का मान देखो हो जाएगा कितना -i -2j और प्लस k, ओ ए का मान है -i -2j और --3k। और यहाँ पर हमारे पास देखो क्या हो जाएगा i और y माइनस कितना 2i और 2 और 2 कितना 4j और 3 और 1 कितना 4k। तो यह ab का मान आ गया, तो ab का मान आ गया, हम इसकी दिक् को साइन ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमने अभी देखा कि cos alpha बराबर होता है x बटा में r, तो x का मान है -2 और r का मान आप ज्ञात कर लो -2 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर +4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लगेगा देखो -2 और यहाँ पर है 2 × 4 4×16 और 4×16। अब वही चीज कि अगर आप 4 को कॉमन कर लेते हैं, 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, तो 4 को कॉमन कर लेंगे तो आपके पास मान आ जाएगा कि यहाँ पर 16×16=32, 32 और 4=36। तो 36 को बाहर निकालेंगे तो 6 आएगा, 2/6, 2×1=2, 2×3=6 -1/3। ठीक, अब आगे देखते हैं cos b का। cos b का अगर देखेंगे तो y बटा में r, तो y का मान है आपके पास -4 और इसका मान देखिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 6 है, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 6, 2×2=4, 2×3=6, तो -2/3। फिर हम क्या करेंगे cos गामा, cos गामा देखिए होता है z बटा में कितना z बटा में r, तो यह देखिए हो जाएगा कितना 4/6, तो 2×2=4, 2×3=6 और यह हो जाएगा 2/3। तो यह तीनों जो बिंदु है दिक् कोसाइन क्या होगा आपके पास, दिक् कोसाइन क्या होगा -1/3, 2/3 और फिर 2/3। तो यह आपके पास क्या है दिक् कोसाइन है, क्या यह दिक् कोसाइन। तो यह आपके पास देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, फिर आपके पास यह 13, तो देखिए फिर 14 नंबर जो क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो आइए यहीं पर देख लेते हैं 14 को भी, देखो 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। ठीक है, सही है सब कुछ, चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 देखते हैं, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन की दर्शाइए कि IJ के OX, OY और OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। तो देखिए हमारे पास एक फिगर देखते हैं यहाँ पर, यह देखो x अक्ष होता है, यह y अक्ष होता है, यह क्या होता है z अक्ष। यहाँ पर एक देखो एक बिंदु होता है
एक जो बिंदु है यह बिंदु इससे बाहर निकला हुआ, यह कहा है बाहर निकला हुआ है, इसको बाहर तो निकाल नहीं सका सकता है, तो ये यहाँ पर है, यह पी है। एक्स के साथ अल्फा बना रहा है यह, वाई के साथ बीटा बना रहा है, और जेड के साथ कितना बना रहा है, गामा बना रहा है। तो यहाँ से यह तीनों जो बिंदु है बराबर चिपके हुए हैं। तो अगर आप देखिए तो वेक्टर ए का जो मान है वह दिया गया है आई प्लस जे और प्लस कितना के, मतलब यहाँ से अगर हम परिमाण निकालेंगे, इसका अगर परिमाण निकाला जाए तो आप जानते हैं एक का स्क्वायर, तो यह रूट में तीन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट में तीन होगा। और अगर कोसाइन निकालें, देखिए कॉस अल्फा होता है एक्स बटा में आर, एक्स बटा कितना आर होता है, तो एक बटा में रूट में तीन। अगर कॉस बीटा निकालें तो हमारे पास हो जाएगा एक बटा में रूट में तीन। अगर कॉस गामा निकालें तो जाएगा एक बटा में रूट में तीन। तो यही तीनों अक्ष जो है वह हमारे पास आंसर है, क्वेश्चन नंबर 14 यही आपके पास है। ठीक, तो यह आपके पास क्या हो गया, 12, 13 और 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है उसके बारे में देखेंगे। ये देखते हैं 15 है आपके पास, बिंदु P Q को मिलाने वाली रेखा 2:1 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम देखते हैं कि बिंदु P और Q है, बिंदु P और क्या है Q। तो देखिए बिंदु P का मान है i, j, i, 2j और -k है, और Q का जो बिंदु है वह आपके पास है -i + j + k है। ठीक, तो यह आपके पास P और Q दिया गया है। क्या दिया गया, P और Q दिया गया है। अगर हम इसके मान को देखें, क्या देखते हैं इसके मान को देखें, तो यह P और Q दिया गया है हमें। इसके अंतः और बाह्य देखो, अनुपात दिया गया है, अनुपात है 2:1 कितना एक है, हमें यह मान है। अब हम यहां से मान को ज्ञात करते हैं, तो देखिए मान, देखिए हमारे पास क्या होता है कि यह आपके पास दिया गया है अंतः विभाजन के लिए। देखो अंतः विभाजन के लिए सूत्र होता है हमारे पास कि ओ आर जो मान होता है क्या होता है, MB + MA, और फिर होता है कितना M + कितना, तो यम का मान देखो 2 है और बी का मान हमारे पास कितना है -i + j + k, एन का मान देखो हमारे पास 1 है और ए का मान हमारे पास कितना है i + 2j और माइनस कितना k, बटा में है 2 + 1, तो 2i यहाँ पर होगा 2i और 2j और फिर 2k और यहाँ पर i और 2j और माइनस कितना k, बटा में 2 और कितना हो गया 3 हो गया, 2 में से 1 गया तो हो जाएगा -1 - 1/3 हो जाएगा आई, और 2 और 2 कितना 4, तो 4/3 जे, और 2 में से 1 गया 1/3 कितना के। तो यह तो आपके पास हो गया अंतर विभाजन के लिए फार्मूला या अंतर विभाजन का आपके पास मान आंसर है। यह आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर इसी को फिगर में भी बनाना हो तो आपके पास देखिए यह होता है, यह O हो गया, यहां से आपके पास बिंदु हो गया O, एक बिंदु P है और एक बिंदु क्या है Q है, क्या यहाँ पर Q है, और यह दोनों बिंदु मिले हुए हैं आपस में, यहीं पर बिंदु क्या है R है, क्या है R है, और यह अंतर हमें विभाजन के लिए सूत्र याद करना था, अंतर विभाजन के लिए ना? तो अंतर विभाजन अब यहीं पर R है, यह बिंदु, यह आपके पास M है, यह N है, और यही हमारे पास क्या करना था, यह वेक्टर B है, यह वेक्टर A है,
यही आपके पास एकदम मूवेबल फीचर है, तो यही आपके पास अनुपात को हमें याद करना था। ठीक, अब देखो यही पर पहला यह तो ए नंबर हो गया, और यही पर हम देखते हैं क्या बी नंबर, क्वेश्चन नंबर आपके पास ये 15 है, तो इसी का बी देखते हैं। तो देखो बी क्वेश्चन कर रहा है बाह्य, क्या कर रहा है बाह्य, तो बाह्य विभाजन के लिए, बाह्य विभाजन के लिए बाह्य है, तो बाह्य विभाजन के लिए, तो बाह्य विभाजन के लिए देखिए सूत्र होता है, यही एकदम सूत्र है कि माइनस लगता है, तो वहां पर होता है ओ आर बराबर एम बी माइनस एम ए और बटा कितना एम माइनस एस। तो यम का मान देखो है 2, बी का मान हमारे पास कितना है आई जे के माइनस आई प्लस जे प्लस के, और एन का मान 1 है, कितना आई और प्लस 2j और माइनस कितना k, बटा में है 2 माइनस 1, तो 2i है और प्लस 2j है प्लस 2k है, माइनस आई है माइनस 2j है और माइनस माइनस प्लस k है, और बटा में 2 में से 1 गया तो कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो 2 और 1 कितना हो गया माइनस 3i, और 2 और 2 2 में से 2 कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और 2 और 1 कितना 3k। तो यह आपके पास बाह्य विभाजन का फॉर्मूला या बाह्य विभाजन का आपके पास होगा। अच्छा बाह्य विभाजन कैसे होगा, यहाँ पर है O, O से आपके पास P की दूरी, फिर यहाँ से आपके पास यहाँ पर Q हो गया, क्या हो गया Q हो गया, अब यहाँ पर बाह्य होगा, क्या होगा बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन के लिए आपके पास यहाँ पर R है, इसलिए आपके पास ऐसे इसको करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास R है। अब यह पूरा जो मान है यह n है, या कह सकते हैं यम है, और यह वाला मान n है, और यह आपके पास b है, और यह क्या है a है, और यह आपके पास r है। ठीक, तो यह आपके पास क्या हो गया बाह्य विभाजन का फिगर है, तो यह अंतर हो गया, यह क्या हो गया बाह्य विभाजन हो गया। आइए देखते हैं इसका आंसर, इसका आंसर देख लेते हैं। आइए देखते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन, तो 16 देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हमें कह रहे हैं कि दो बिंदुओं 2 3 4 और 4 1 2 को मिलाने वाले मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम करते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करके एक बार और देखना हो एक बार और देख सकते हैं, नहीं तो इसको पूरा देख लीजिए बार बार, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर बाह्य और एक आपके पास मात्रक सदिश, यहां से दो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिले, एक 3 नंबर का एक 5 नंबर का, तो यह दोनों क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट ही है। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, दो बिंदुओं इतना इसको मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना मध्य बिंदु ज्ञात करना, P देखो है 2 3 और 4 है, और Q है हमारे पास कितना, Q का मान दिया गया है 4 1 और माइनस 2, 4 1 और माइनस 2 दिया गया है, हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो PQ का देखो मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तुम्हारे पास P प्लस Q बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस 4 के, और पी प्लस है 4i प्लस जे और माइनस कितना 2k, बटा में 2 हो जाएगा, इसको हमने 2 कर दिया, 2 से भाग, क्योंकि दो बिंदु है तो 2 से क्या करेंगे भाग, जिसे औसत निकालते हैं, तो 4 और 2 6i हो गया, और 3 और 1 4j हो गया, और 4 में से 2 गया तो 2 कितना k, बटा में 2 है तो 2 को कॉमन कर दीजिए, तो 2 को कॉमन किए तो 2 3i 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 का 2, तो यह आपके पास है मध्य बिंदु की निर्देशांक, या मध्य बिंदु की मध्य बिंदु है, क्या है इसका मध्य बिंदु है, आइए देखते हैं सदिश का मध्य बिंदु, तो सदिश का मध्य बिंदु आपके पास यही है, सदिश का मध्य बिंदु, तो यह हो गया आपके पास सदिश का मध्य
बिंदु। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन 17 में देखेंगे कि एबीसी जिसकी स्थित सदिश इतना है इसको समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं अथवा नहीं। आइए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 17। वेक्टर ए बराबर 3i माइनस 4j और माइनस कितना है 4k माइनस 4k। वेक्टर बी बराबर आपके पास दिया गया है कितना 2i माइनस j प्लस k, 2i माइनस j और प्लस k है। और सी बराबर दिया गया है कितना i माइनस 3j माइनस 5k, i माइनस 3j और माइनस कितना 5k। ठीक, तो यह आपके पास हो गया ए बी और सी। हमें देखो थोड़ा सा इसका मान देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज देखिए, हम मान लिए कि यह ए है, यह बी है, यह सी है। ठीक, अब यहां से हमारे पास अगर हम ए बी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर यदि लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाए तो यह आपके पास मान सत्य है अथवा नहीं। ठीक, अगर सत्य रहेगा तो ठीक, अगर अथवा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो ये देखते हैं हमारे पास, देखो क्या हो जाएगा ए बी, तो ए बी के लिए देखिए होता है ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी का मान देखो कितना है, ओ बी का मतलब वेक्टर बी और ओ ए का मतलब कितना वेक्टर ए। अब यहां से मान रखो ये हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस के, यहां पर 3i माइनस 5 माइनस प्लस 4j और प्लस कितना 4k। तो 2 में से 3 गए माइनस आई, 4 में से 1 गया तो हो जाएगा प्लस 3j और 3 और कितना 4 और कितना 5। तो यह AB का मान आ गया। अब यहीं से हम AB का परिमाण भी निकालेंगे, तो AB का परिमाण देखो हो जाएगा माइनस 1 का होल वर्ग प्लस 3 का होल वर्ग प्लस 5 का होल वर्ग। तो 1 1 का 1 हो गया, 3 3 का 9, 5 5 25 और 25 और 10 कितना होता है 35। तो 25 और 10 कितना हो गया 35 हो गया। फिर ए बी था, अब हम निकालेंगे बी सी, क्या निकालेंगे बी सी, तो बी सी के लिए वेक्टर बी सी निकालते हैं और ओ सी माइनस ओ बी करेंगे। ओ सी माइनस कितना करेंगे ओ, ओ सी माइनस हम क्या करते हैं ओ बी करते हैं। तो ओ सी का मान देखो हो जाएगा सी और बी का मान वेक्टर बी, सी का मान है माइनस आई माइनस थ्री जे और माइनस फाइव के है, बी का मान है माइनस टू आई और माइनस टू जे और प्लस कितना के है। ठीक, अब देखो माइनस, अगर माइनस का गुणा हुआ तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो दो में से एक में से दो गया तो माइनस एक, तीन में से एक ना गया एक गया तो दो जे और पांच और कितना छह गया। अगर इसका परिमाण निकाल लें तो परिमाण अगर हम इसका निकालेंगे तो यह हो जाएगा देखो माइनस एक का होल वर्ग प्लस माइनस दो का होल वर्ग और प्लस माइनस छह का होल वर्ग। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा वेक्टर बीसी का जो परिमाण है वो हो जाएगा देखो एक प्लस दो दूनी चार और छह की कितना 36 और 36 चार 40 40 और एक कितना 41 तो रूट में 41। अब हम देखो ए बी निकालिए बीसी निकालिए, ए बी हमने निकाल लिया बीसी निकाल लिया, क्या निकालेंगे सी, तो सी तो सी ए बराबर होता है ओ ए और माइनस ओ सी। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस सी, वेक्टर ए का मान देखो है कितना 3i माइनस 4j और माइनस 4k। फिर वेक्टर सी का मान देखो है हमारे पास i प्लस 3j और माइनस 5 कितना प्लस 5 है। ठीक, ये आपके पास देखो 3 में से 1 गया तो हो जाएगा 2i और 4 में से 3 गया तो माइनस एक जे और 4 में से 5 गया तो प्लस कितना के। अब हम इसी का निकालेंगे परिमाण, क्या निकालेंगे इसी का परिमाण, तो परिमाण निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो 2 दूनी 4 है और 1 1 का 1 1 का 1 और ये हो जाएगा 4 2 5 और 1 कितना 6। अब यहां से हम क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर और बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो जो बड़ा है उसे कर्ण मानो, बीसी है तो बीसी को हमने कर्ण माना और लंब चाहे जिसको मान लिए
तो हमने सी ए और प्लस क्या कर लिया, ए बी का होल वर्ग। तो यहीं पर आपके पास रूट में 41 का होल स्क्वायर बराबर रूट में 6 का होल स्क्वायर प्लस रूट में 35 का होल स्क्वायर। 41 बराबर 6 प्लस 35 और 41 बराबर 41, तो अतः यह क्या है, संपूर्ण त्रिभुज है। क्या यह संपूर्ण त्रिभुज है? तो आपके पास जो यह फिगर बनेगा वह यू बनेगा, ऐसा क्या रहेगा, ऐसे यह आपके पास देखो BC है, तो यह B और C हो जाएगा। इसका मान है 41 रूट में और इसका मान कितना है BC, और फिर अगर हम इसका देखें CA का मान, तो CA का मान जो है वह रूट में 6 है और इसका मान कितना है रूट में 35। तो यह आपके पास क्या हो गया, कुल मिलाकर यह आपके पास 17 नंबर क्वेश्चन। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जैसे यदि हम वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं तो सभी वीडियो आपको सबसे पहले सब्सक्रिप्शन करने सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, जिससे आप इस क्लास का आनंद ले सकते हैं और जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर 15 फिर है 17, तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको परीक्षा में 10 नंबर तक आपको दिलाने के लिए तत्पर है। थैंक यू सो मच वीडियो गेम तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।